नए तकनीक से नए आयाम को पाने की कोशिश में लगा है न्यूरो साइंस विभाग एम्स का, वो किस तरीके से, आइए जानते हैं डॉक्टर शैलेश गायकवाड़ से। सर, जिस तरीके से चर्चाएं हो रही थीं कि बहुत सारी ऐसी ऐसी जटिल बीमारियां हैं खासकर कि न्यूरो से रिलेटेड, उसमें कई बार बीमारी को पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सूक्ष्म होती हैं नर्व्स, और ऐसे में जो न्यूरोसाइंस विभाग है वो किस तरीके से इस पर काम कर रहा है और आने वाले समय में किस तरीके से तकनीक में और इजाफा होगा। हमारे पास 1.5 टेस्ला से लेके 3 टेस्ला MRI है और करीब करीब 6 MR एम्स में है, और इसकी वजह से हम काफ़ी ब्रेन की कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स को पकड़ने में सफल हुए हैं अभी तक। बट कुछ कंडीशन जैसे ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी कहते हैं, जिसमें पेशेंट की जो एपिलेप्सी की बीमारी है वो मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ऐसे सिचुएशन में फिर हमें ये पता करना ज़रूरी होता है कि एपिलेप्सी किस लीजन की वजह से, ब्रेन में कौन सी अबनॉर्मलिटी की वजह से है। उसके लिए हम 1.5 टेस्ला से 3 टेस्ला में इमेजिंग करना प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें डिटेक्शन रेट बढ़ जाता है। बट कई सिचुएशन में हमने देखा है कि 3 टेस्ला MR करने के बाद में भी हमें जब लीजन नहीं मिलता है तो हमें कुछ और टेस्ट का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हम लोग पेट MR फ्यूजन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, पेट CT यूज़ करते हैं, देन एक एक्टल स्पेक्ट हो गया है, और हम लोगों ने एक और MR 3 टेस्ला पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है वो उसको बोलते हैं हम आर्टरियल स्पिन लेबलिंग टेक्निक। तो जिस साइज एपिलेप्सी का फोकस होता है उस एरिया में, फोकस एरिया में एबनॉर्मलिटीज डिटेक्ट होती है। बट कई चीज़ों में हमें ये सब करने के बावजूद भी कुछ जब लीजन नहीं दिखता है और पेशेंट को सीजर हो रहे हैं और ड्रग से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो उसमें बाहर अभी 7 टेस्ला इंडिया में तो नहीं है पर बाहर अवेलेबल है, तो उन्होंने अपने लिटरेचर में दिखाया है कि 7 टेस्ला में कुछ डिटेक्शन मिल सकता है पॉजिटिव वे में, और उस लीजन का अगर कॉज पता चलता है कि यही सीजर कॉज कर रहा है तो सर्जिकल रिसेक्शन की वजह से पेशेंट को सीजर फ्री बनाया जा सकता है विथ और विदाउट ड्रग। अगर मैं समझना चाहूं कि भारत में एपिलेप्सी के केसेस जो हैं वो कितने हैं और कितने लोगों को इतने सूक्ष्म तकनीक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। सीजर का वर्कलोड जो टोटल लोड है वो काफ़ी है क्योंकि आपका पॉपुलेशन ही 1.42 बिलियन है, और सीजर के कई कारण हो सकते हैं जैसे सिस्टिक सर्कोसिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या कुछ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस ऑफ द ब्रेन होता है जैसे फोकल कॉर्टिकल डिस्प्लेजिया है और मीजल टेम्पल स्क्लेरोसिस है, या कुछ कंजेनाइटल ट्यूमर्स बोलते हैं जिसको डिनेट है, एक गैंग्लियोग्लायमा है, इस तरह की लीजन्स की वजह से पेशेंट को बार बार दौरे पड़ते रहते हैं जिसको हम सीजर या एपिलेप्सी कहते हैं, और इस लीजन को निकाले बिना ड्रग से ये ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो फिलहाल तो ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, और कम से कम जिस पेशेंट को सीजर होता है उसमें से 1/3 एक तिहाई पेशेंट जो है वो ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो उसमें सर्जिकल रिसेक्शन उस लीजन का ही एक पर्याय होता है इन एडिशन टू सम ड्रग मेडिकेशन। अगर मैं ये समझना चाहूँ कि 7 टेस्ला की आज के समय में कितनी ज़रूरत भारत को है, एटलीस्ट एम्स में इसकी ज़रूरत है क्योंकि एम्स एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन है कंट्री का, अपेक्स इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे मेन फोकस पेशेंट के ट्रीटमेंट के अलावा रिसर्च है, और रिसर्च करने से हम बाकी कंट्री के लिए एक गाइडलाइंस बना सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं कि बाकी और जगह भी इसकी ज़रूरत है। तो क्या हमें ये कह सकते हैं सर कि जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो भारत की हेल्थ सिस्टम पर निर्भर होते हैं, जैसे अफगानिस्तान है या मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, इस तरीके के तकनीक आने से जो न्यूरोसाइंस में जटिलताएँ हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगी? अवश्य हेल्प करेगी। अभी भी फ़िलहाल हमारे पास काफ़ी नेबरिंग कंट्रीज़ के पेशेंट्स यहाँ आते हैं अपने इलाज के लिए, अपने डायग्नोसिस के लिए, और वो हम पे डिपेंडेंट है क्योंकि कंपेयर टू यूरोप या USA हमारी अभी भी जो चिकित्सा प्रणाली है वो काफ़ी इकोनॉमिकल है, अफोर्डेबल है। अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस पे ध्यान देंगे तो हमें नेचुरली इन नेबरिंग कंट्रीज़ के पेशेंट्स को भी हम कैटर टू कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया News24 से बात करने के लिए। तो ज़ाहिर तौर पर टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से इजाफा होगा, जिस तरीके से उस पर काम होगा, तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदा वैज्ञानिकों को होगा और फिर उसका फ़ायदा मरीजों को मिलेगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली News24।